श्रोतागण भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास विशेष मनमोहक अच्छा इंसान बनाने वाला, अच्छे टिप्स देने वाला, अच्छा गुण देने वाला, अच्छी बात बताने वाला, हमारे चित्त को समाधि देने वाला और हमारे हृदय को संवेदना देने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषय के साथ प्रवेश होते हैं। हर विषय हमें कुछ न कुछ अच्छा इंसान बनने की, अच्छा जीवन बनाने की शिक्षा देता है। इसी क्रम के अंदर आज का हमारा विषय है, एक समाज की बुराई की तरफ इंगित कर रहा है और उसमें सुधार के लिए निवेदन कर रहा है आज का विषय। तो आज का हमारा विषय है, आडंबर प्रिय नहीं धर्म प्रिय बने। भाई और बहनों, दर्शक श्रोतागण, आज हमारे समाज में क्या हो रहा है? आज हमारे समाज में व्यक्ति इगोस्टिक होता जा रहा है, व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड होता जा रहा है, व्यक्ति में इतना अहंकार आ गया है कि वह अपने आप को खुदा समझता है और उसके साथ साथ के अंदर इतना स्वार्थी हो गया है कि अगर पुलिस कोर्ट ये ऐसे हमारे साधन न हो सकता है वो तानाशाह बन जाए। वो अपना चारों तरफ वर्चस्व जमाना चाहता है, वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो तो एक सृष्टि का एक अंश मात्र है, वह एक निमित्त मात्र है, एक संजोग है, इस पूरी सृष्टि का कर्ता नहीं है। और ये जो कर्ता भाव है यही कर्म बंधन का कारण है और यही अहंकार पैदा करता है। इसी कारण आज समाज में बिगाड़ आ रहा है और इस ईगो के कारण व्यक्ति आडंबर की तरफ बहुत जा रहा है। मैं आपको कुछ उदाहरण के तौर पे दिखाना चाहता हूँ कि व्यक्ति आडंबर कैसे दिखाता है। मान लीजिए अपनी लड़की की शादी है तो व्यक्ति के पास में पैसा है तो वो इतना आडंबर करेगा, इतना टेंट के रूप में, लाइट के रूप में और इतना 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 सो दिखाएगा कि उसके मन में ये रहती है कि ऐसा आज तक किसी ने नहीं किया, ऐसा लोग कहना चाहिए, ऐसे आडंबर दिखाता है। उसी तरह के बहुत से आयोजन होते हैं, उन आयोजनों के अंदर भी व्यक्ति अपना आडंबर दिखाता है और इस कारण ये आडंबर के पीछे क्या है, वह अपने अहंकार की तुष्टि करना चाहता है, अहंकार को पोषण देना चाहता है, अहंकार को शांत करना चाहता है, अहंकार का जो है ना तृप्ति चाहता है, इसीलिए वो करता है। इसीलिए आज समाज के अंदर बहुत ज़्यादा बुराइयाँ आ गई है और ये स्पष्ट दिखने लग गया है कि अमीर और गरीब के बीच की खाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ 50% से अधिक भारत की जनसंख्या को गरीबी रेखा के नीचे है, बहुत से ऐसे लोग हैं 2 जून की रोटी भी बराबर नहीं मिलती है और उस जगह इतने भारी आडंबर हो रहे हैं, तो क्या ये उचित है? एक भाई आपका भूखे मर रहा है और आप इतना अपने अहंकार की तुष्टि के लिए इतना बड़ा आडंबर करने जा रहे हो, तो क्या ये सही है? और आडंबर में क्या होता है, मूंछ का सवाल होता है, व्यक्ति की प्रतिष्ठा का सवाल होता है, लोग मुझे अच्छा कहें, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि लोग तो कहकर के भूल जाते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ आपको भाई और बहनों। एक बड़े जो है चक्रवर्ती राजा हुए, चक्रवर्ती राजा बहुत हुए हैं, आगे भी बहुत होंगे, क्योंकि ये तो परिवर्तन संसार का नियम है, हम नहीं रहेंगे, सृष्टि हमेशा चलेगी, ये सारी बातें हमेशा होती रहेगी। तो वह भी इगोस्टिक था चक्रवर्ती, तो उसने अपने नाम की एक नेम प्लेट बनाई और जहां पर सब नेम प्लेटें लगी हुई थी वहां पर अपनी प्लेट लगाने के लिए गया, तो उसने कहा कि मेरी प्लेट सबसे ऊंची लगाऊंगा। लेकिन वो जाने के बाद में नेम प्लेट उसने देखा कि वो सारी जगह जहां पर की नेम प्लेट लगी हुई है जगह भर गई है, हाउसफुल हो गया है, तो कोई जगह नहीं मिली उसको प्लेट लगाने के लिए। तो उसका गुरूर शांत हुआ, अरे मैं क्या, पूर्व में तो मेरे से कई बड़े बड़े हुए हैं, तो भैया अपने गुरूर को पहले से ही नीचे रखो ना।
उस गुरूर को जो तुम आडंबर में काम लेते हो, ईगो के संतुष्टि में काम लेते हो, तो उसका डायवर्शन करो, उसका सब्लिमेशन करो, उसका मार्गांतरण करो, उस मार्ग को बदल दो और उस ताकत को, उस ईगो को समाज सेवा में लगाओ, परोपकार में लगाओ। बहुत उपकार है हमारे भारतवर्ष के अंदर, परोपकार करने का बहुत 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 उपकार है, सेवा करने का बहुत उपकार है। हम ये फालतू की चीज़ों को छोड़ करके सेवा में लग जाए तो कितना सुंदर। लोग करते हैं, ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि भोजन बना करके वो हॉस्पिटल में ले जाते हैं और बेचारे जिनके पास में साधन नहीं है उन सबको बांटते हैं, जिनके पास रहन बसेरा नहीं है फुटपाथ के ऊपर जो बैठे हैं उनको भोजन बांटते हैं, उनको सर्दियों के अंदर कंबल बांटते हैं, उनके लिए रहन बसेरा टेंट लगाते हैं। सेवा है, देखिए वो भी बेचारे इंसान हैं लेकिन उनके कर्मों की बात है, इनको इसी तरह से कर्म का भोग करना पड़ता है, लेकिन हम सहयोग करते हैं तो ये बहुत नर सेवा नारायण सेवा होती है। इसलिए हमें नर की सेवा करनी चाहिए, प्राणी मात्र की सेवा करनी चाहिए, और जितने भी हमारे पशु पक्षी है, पिंजरा पोल बनती है पशु पक्षियों के लिए, गौशालाएँ बनती है, ये हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है सेवा का, तो उसका उपयोग भरपूर हो रहा है। तो मैं कहना चाह रहा था कि आडंबर प्रिय नहीं धर्म प्रिय बने। अब आडंबर की तो हमने काफ़ी बात कर ली है और मैंने साथ साथ में ये भी बताया कि अपने उस आडंबर को, अपने उस अहंकार को हम मार्गांतरण करें, हम दिशा को बदलें, कौन सी दिशा में जावें उसका मैं ट्रैक बताता हूँ। वो ट्रैक ये है कि धर्म की दिशा में जाओ। धर्म के लिए कहा गया है दम्मो मंगल मुखी टंग अहिंसा संयमो तवो। धर्म उत्कृष्ट मंगल है, मंगल का मतलब कल्याण। इस सृष्टि में हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर मंगल कल्याण से बढ़कर के कोई ऊंचा शब्द नहीं है। जगत कल्याण हो, जय जगत जय अणुव्रत, सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे भवन्तु निरामया, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी विचारधारा है। तो इस तरीके से जो है हम उस धर्म को, धर्म कौन सा, अहिंसा संयमो तवो परिभाषा दी है, ऐसा धर्म जो अहिंसा में विश्वास करता है। अहिंसा में विश्वास करने वाला वो किसी को दुख देगा नहीं, मन से नहीं, वचन से नहीं, काया से नहीं, किसी को कष्ट स्वयं नहीं देगा, दूसरे से नहीं दिलाएगा और कष्ट देने वाले की अनुमोदना भी नहीं करेगा। ये अहिंसा का सूक्ष्मतम रूप हमारी भारतीय संस्कृति में है। अहिंसा संयमो तवो, संयम सर्वभूतेषु संयम अहिंसा। अब संयम और अहिंसा को जोड़ा गया है कि प्राणी मात्र सर्वभूतेषु संयम अहिंसा, प्राणी मात्र के प्रति संयम करना अहिंसा है। संयम करने का अष्ट यह है कि किसी को किंचित मात्र भी कष्ट न दिया जाए। प्राप्त मन वचन काया से इस सृष्टि से किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, दुख न हो, दुख न हो। इससे बढ़कर कोई धर्म नहीं है। ये मानव धर्म है, ये शाश्वत धर्म है, ये सृष्टि का धर्म है, ये मानवता का धर्म है। तो इसीलिए संयम की बात, संयम करने वाला व्यक्ति वो क्या करेगा, अपने साधन सीमित रहेगा, खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, सोने में, हर चीज में वो लिमिट रखेगा। इच्छा परिमाण, कपड़ों की संख्या लिमिट रखेगा, पानी का कम से कम उपयोग करेगा, भोजन की सामग्री का कम से कम उपयोग करेगा, और लेविशली जितने हमारे जो है वो जो ऐश आराम के जो काम हैं, एसी है, बड़ी बड़ी एक एक करोड़ की कार खरीद ली, एसी में जाना, वो क्या थ्री टायर के अंदर जाएगा, सामान्य के अंदर स्लीपर में जाएगा। इस तरीके से वो अपना चिंतन बदलेगा, ऐसे व्यक्ति का जो है वो चिंतन बदल जाता है। संयम करने वाला अहिंसा संयमो तवो, तवो मन तप। सबसे बड़ा तप क्या है कि हम किसी के प्रति बुरा न सोचे, नकारात्मक भाव बिल्कुल दिमाग में न आए। जिस व्यक्ति के दिमाग के अंदर नकारात्मक भाव नहीं होते हैं वह ईश्वर तुल्य है।
ईश्वर क्या होता है जिसमें नकारात्मक भाव बिल्कुल नहीं होते। सर्व कल्याण की बात होती है जिसमें नकारात्मक भाव होते हैं। हमारी ये सृष्टि है, कॉस्मोस है, हमें एनर्जी देता है, सारी बॉडी को कॉस्मोस से एनर्जी आती है। तो अगर नकारात्मक भाव है नकारात्मक एनर्जी आएगी, सकारात्मक भाव है तो सकारात्मक एनर्जी आएगी, और उसी एनर्जी से हम प्रेरित होकर के कोई भी परोपकार का कार्य करते हैं। उसी तरीके से अगर हमारे नकारात्मक भाव है, चाहे हम वह किसी का बुरा करें या ना करें, लेकिन हमने बुरा सोचा तो ये क्या होगा कि ये प्रदूषण होगा, ये विचारों का प्रदूषण है, ये बहुत खतरनाक होता है। ये विचारों का प्रदूषण जो है सारे ब्रह्मांड में फैल जाता है, तो ब्रह्मांड नकारात्मक हो रहा है। ये नेगेटिविटी क्यों बढ़ी कि व्यक्ति ने नेगेटिव सोचना चालू किया, वो नेगेटिविटी सारी कॉस्मोस में इकट्ठी होती गई। तो ये पुद्गलों का प्रभाव होता है कि हम किसी मंदिर में जाते हैं, वहाँ पे अच्छे परमाणु होते हैं तो हम सहज ही ईश्वर भक्ति में लग जाते हैं, चित्त शांत होता है, चित्त को जो है जो हमें सुकून मिलता है, और इच्छा होती कि यहाँ बैठ के ध्यान करें, प्रभु की भक्ति करें, क्योंकि वहाँ के परमाणु शुद्ध है। उसी तरीके से हम किसी चोर के घर के अंदर चले गए तो वहाँ पर क्या होता है, हमको डर लगता है, हमको भय लगता है, कोई मार देगा, कोई गोली से उड़ा देगा, कोई हमको लूट लेगा। भाई और बहनों, इससे जुड़ी मैं एक संस्कार की बात बताना चाहता हूँ कि एक तोते की माँ के दो बेटे थे, तो दोनों जुड़वा थे, दोनों का जन्म हुआ, जन्म होती वो बिछुड़ गए दोनों तोते। तो एक तोता है सन्यासी के पास में चला गया और दूसरा तोता एक चोर लुटेरे के पास में चले गए। तोतों के लिए हमारे ये बड़ी कहावत है, तोतों को रटाया जाता है, तोतों को जो चीज हम समझाते हैं वैसा का वैसा वो बोलते हैं, तो मिट्टू वैसा का वैसा बोलता है। जो सन्यासी के पास में तोता है उसको सिखाया गया राम राम, स्वागतम स्वागतम, कल्याण कल्याण, वेलकम वेलकम, आइए आइए विराजिए। और दूसरा जो तोता जो डाकू के पास तोता है उसको सिखाया गया मारो काटो लूटो पकड़ लो गोली मार दो। इस तरीके से जैसे डाकू की प्रवृत्ति सिखाई गई है, तो भाई और बहनों ये सारा संसार के अंदर हम जैसे जैसे जगह में एनवायरनमेंट में रहते हैं, वहाँ के परमाणु कैसे हैं, वैसी व्यक्ति क्यों नेगेटिव भरे हुए नेगेटिविटी होती है। आज से 10 20 25 50 साल चले जाओ, पीछे जाओ, आप देखोगे पर्यावरण शुद्धता, क्योंकि सभी लोग ईमानदार थे, सबकी आवश्यकताएं कम थी, दूसरे को तकलीफ देना पाप समझते थे, दूसरे का हड़पना पाप समझते थे, और इस शरीर से पूरी मेहनत करते थे, अपने हक का खाना चाहते थे। ऐसी विचारधारा पूरे हमारे वातावरण में, गांव के वातावरण में फैली होती थी, और वो विचार हमको मिलते थे, वो संस्कार हमको मिलते थे, और उसकी जगह आज सारी नेगेटिविटी बढ़ गई है, वो नेगेटिविटी हमारे दिमाग में आती है, इस कारण से हमारा हो रहा है। तो हम कह रहे थे कि धर्म प्रिय बनो, धर्म नेगेटिविटी समाप्त करता है, धर्म में कोई दोष नहीं है, धर्म पुण्य, धर्म है वो पुण्य है और अधर्म है वो पाप है। पुण्य जो होता है वो हमें अच्छी सुख देता है, सुविधा देता है, अच्छा इंसान बनाता है, और हमारा परिवार अच्छा होता है, एक दूसरे के साथ वेल बिहेव्ड होते हैं, वेल कल्चर्ड होते हैं, वहाँ पे ऐसे घर के अंदर व्यक्ति चला जाता है उसको मन करता है कि थोड़ी देर बैठूं, इन सदस्यों से बातचीत करूं, कि सब में प्रेम है, प्रेम की गंगा बहती उस घर के अंदर, ये धर्म का वातावरण है। हमारी भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि धर्म की जड़ हरी होती है, हमारे बाप दादे धर्म किया करते थे, उसका असर या उसका प्रभाव आने वाली जनरेशन को मिलता था कि उनके बाप दादों ने किस तरीके से, उसी से खानदान बनता था।
जब बेटी की सगाई की जाती थी, बेटे की सगाई की खानदान पहले पूछा जाता था, ये बच्चा कौन से खानदान का है, उससे परीक्षा हो जाती थी कि फला के खानदान का है तो ये अच्छे खानदान का व्यक्ति है, अच्छे विचार होंगे इसमें, अच्छे सद्गुण होंगे, ये सदाचारी होगा, सारी बातें ऑटोमेटिकली मालूम हो जाती है। तो इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, धर्म प्रिय बनो। हमने दिशा का परिवर्तन किया, उस बुराई से हम अच्छाई की ओर आ गए। अब आप देखिए उससे कितना बड़ा फायदा होगा। जितना आडंबर का पैसा हम खर्च करते थे, हमारे भीतर अनाशक्ति की चेतना जागृत होगी और हम बड़े बड़े सत्संग भवन बनाएंगे और उसके बाद बाद में बड़े बड़े लोगों के लिए विश्वविद्यालय बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, कॉलेजेस बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे, रैन बसेरे बनाएंगे, लोगों को रोजगार देंगे और चिकित्सालय बनाएंगे। बहुत से आज देखिए कि सरकार हमेशा जनता के साथ में, जो हमारे यहाँ पर जो है ट्रस्टीशिप है, ये जो हमारा सहकारिता का सिद्धांत है, वह भागीदारी चाहती है हमारी सरकार। ये महात्मा गांधी ने ट्रस्टीशिप का फॉर्मूला दिया कि ये सारा धन जो है वो सब जनता का है, सरकार जनता की है, जनता के द्वारा जनता से है, जो कुछ भी हमारे हिंदुस्तान में धन संपत्ति है उसकी मालिक यहाँ की जनता, हर बच्चा बच्चा 125 करोड़ उसके मालिक हैं, सब उसके मालिक हैं। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि ऐसी धर्म की प्रवृत्ति रखने वाला व्यक्ति जो है अपने धर्म, अपने पैसे को लुटा देता है चैरिटी में। मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहूँगा कि बिल गेट्स की मैंने अभी एक जीवनी पढ़ी थी, विश्व के सबसे अच्छे सबसे बड़े धनाढ्य व्यक्ति, लेकिन वो धर्म प्रिय है, उनको सदाचार अच्छा लगता है, उनके पास में बंगला, वही 50 साल पुराना बंगला, 50 साल पुरानी गाड़ी, 50 साल पुराना फर्नीचर, खुद की आवश्यकता बहुत, एक संत की आवश्यकता कितनी होती है, वैसी लिमिटेड आवश्यकता, लेकिन उनका पुण्योदय इतना भारी है, करोड़ों अरबों की संपत्ति, उनको खुद को पता नहीं कि मेरा कितना प्रॉफिट हो रहा है, उस प्रॉफिट को सारा ट्रस्ट में डाल देते हैं। उस ट्रस्ट के अंदर बड़े बड़े हॉस्पिटल, आज जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर, जैसे कि उदाहरण के कोकिला बहन हॉस्पिटल जो बॉम्बे के अंदर है, उदाहरण दिया बिड़ला जी ने, कितने मंदिर बनाए, बिड़ला मंदिर, सरस्वती के सैकड़ों मंदिर होगा, कितनी धर्मशाला हैं, बांगड़ जी की, सिंघानिया जी की धर्मशाला हैं, मंदिर है, और दूसरा क्या है कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है, बड़ी बड़ी स्कॉलरशिप्स है, वो फ्री भी पढ़ाते हैं, जो लोग बेचारे अभाव होते हैं उनको फ्री स्कॉलरशिप दी जाती है, उनको फ्री पढ़ाया जाता है। तो ये चेतना कहाँ से आती है? हमने उस आडंबर से अपना मार्ग अंतरण करके, अपनी डायरेक्शंस को बदल करके, दिशा बदल दो, दशा बदल जाएगी। हम बुरी दिशा में जा रहे थे तो हमने अपने चिंतन को बदला तो हम धर्म के खाते में आ गया। वो आडंबर था, वो अधर्म का खाता था, वो बुराई का खाता था, उस वो पाड़ा बुराई का था, उस बुराई के पाड़े को छोड़ करके हम अच्छाई के पाड़े के अंदर आ गए। देखिए कितना विकास हो गया। आप करके देखिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, कभी आप 10,000 रुपये का जिस व्यक्ति को एक्यूट आवश्यकता हो उसको आप दे करके देखिए तो आपके मन में कितनी प्रसन्नता होगी कि आपका, मैंने तो ऐसे सैकड़ों फंड बना रखे हैं और हर जगह देता हूँ जहाँ मुझे, मैं तो अपनी 20 वर्ष से वानप्रस्थ जीवन है, मेरे को इसमें आनंद आता है कि स्वयं पे मिनिमम खर्च करके जो कुछ भी लिमिटेड सोर्स मेरे आता है तो कहीं ना कहीं भेजता हूँ। मेरी अनुभूति बताता हूँ, 20 साल से हो रहा है, लूले, लंगड़े, अपाहिज, मूक, बधिर, विधवाएं, अनाथ, उनकी शिक्षा का क्षेत्र के अंदर, उनके जो है वो ट्रीटमेंट के क्षेत्र में, कितनी कितनी आनंद की अनुभूति होती है 10,000 रुपये दे करके। जो हम 1,00,000 रुपया कमा करके भी अपने बैंक के अंदर बैलेंस लाते हैं, वो सुख और सुकून नहीं मिलता जितना 10,000 रुपये हमने किसी को जो है दे करके, सहयोग करके। आप करके देखिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये होता कब है? ये होता जब है कि हम अच्छाई की तरफ मुड़े, और इसका आजकल बहुत स्कोप है। तो मैं आज के इस एपिसोड के माध्यम से, इस प्रासंगिकता के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान के अंदर
अभी चैरिटी का, अभी सेवा का बहुत बड़ा उपयोग है। अगर ईश्वर ने आपको अच्छा धन दिया है तो आप उस धन का अपने लिए मिनिमम उपयोग कीजिए। और भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं ये बताना चाहता हूँ कि दुनिया में इसमें कोई अमर नहीं है। जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है वह अपना एक जो है वो जिस तरीके से हम रंगमंच यह जगत है और कर्म खिलावन हार नाना रूप बनाए के और चेतन खेलन हार कठपुतली कैसे नाचती है, वैसे हम इस संसार रूपी नाटक के रंगमंच के ऊपर कर्मों के द्वारा नचाए जाते हैं। और जब हमारा रोल पूरा होता है तो हमारा राम नाम सत होता है, लेकिन याद किसको किया जाता है, अमर कौन होते हैं, इस पे बात पे आइए। अमर व्यक्ति वह होता है जो कुछ सोसाइटी को देके जाता है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, कृतज्ञता आपके प्रति। पुनरुत्थान कार्यक्रम को आप देख रहे हो, इसी कारण पुनरुत्थान कार्यक्रम सफल हो रहा है। आप इसको देखते रहिए और लोगों को प्रेरित कीजिए कि इसको देखें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और अच्छी तरह से इसकी प्रस्तुति देवें। आपके प्रति मंगल भावना, शुभ